हेलो व्यूअर, आप सब कैसे हो। गूगल एसन अकाउंट के लिए आईडेंटिटी वेरिफिकेशन करना जरूरी है फ्रेंड। तो भी आपका अकाउंट वेरीफाई होगा और एसन पिन आपके घर पे पहुंचेगा फ्रेंड। आईडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो आपको 3 चांस मिलता है फ्रेंड। आप ड्राइविंग लाइसेंस से भी कर सकते हो, पैन कार्ड से भी कर सकते हो, इंडिया पासपोर्ट से कर सकते हो और वोटर आईडी से भी कर सकते हो फ्रेंड। चारों का आपको फोटो बनाना पड़ेगा। फोटो कैसे बनाना है वीडियो में आपको बता दूंगा फ्रेंड। इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। आपको पहले आईडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करना है वो बता देता हूँ प्रोसेस फ्रेंड। आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र में क्लिक कर देना है फ्रेंड और आपको आईडी आपको लॉगिन कर लेना है फ्रेंड। तो मैंने लॉगिन करके रखा है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना है फ्रेंड। यहीं पर थोड़ा सा ओपन हो रहा है फ्रेंड, आप देख सकते हो, क्योंकि नेट स्लो इसलिए टाइम लग रहा है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और ऐसे इंटरफेस आएगा, आपको सेटिंग वाला ऑप्शन ढूंढना है फ्रेंड। तो सेटिंग वाले पे क्लिक कर देना है आपको और आप देख सकते हो फ्रेंड, आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और क्रोम ब्राउज़र को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। और यहीं पे आपको कैंसिल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है फ्रेंड। तो आपका कट हो जाएगा, आप देख सकते हो यहीं पे। उसके बाद में यहीं पे गूगल एसन अकाउंट ऐसा लिखोगे, गूगल एसन तो भी आ जाएगा फ्रेंड। उसके बाद में आपको सर्च कर लेना है। तो आपको गूगल वाला ऑप्शन शो कर रहा है, उस पर क्लिक कर देना है और यहीं पे आप फर्स्ट वाले पे क्लिक कर सकते हो। दूसरा गूगल एसन लिखा है उस पर भी क्लिक कर देना है फ्रेंड। उस पर क्लिक करना चाहते हो कर सकते हो फ्रेंड, और थोड़ा सा लोडिंग लेगा फ्रेंड। आप देख सकते हो फ्रेंड ओपन हो चुका है, मुझे एसएन बटन मिल चुका है फ्रेंड, आप देख सकते हो। तो आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करके भी दिखा रहा हो फ्रेंड, आप देख सकते हो कि एसएन बटन मिल चुका है। तो उस पर क्लिक करने के बाद एसएन इंटरफेस खुलेगा आपका, थोड़ा सा लोडिंग लेगा फ्रेंड, आप देख सकते हो। यहीं पे नीचे में लिखा हुआ है फ्रेंड, आप देख सकते हो। तो आपको उस पर क्लिक करके तो और भी वेरीफाई वाला ऑप्शन खुल जाएगा फ्रेंड, आप देख सकते हो यहीं पर। और नीचे में आपको चेंजिंग करना चाहते हो वो भी चेंजिंग हो जाएगा फ्रेंड। और आपको यहीं पे क्लिक कर देना है वेरीफाई पे और ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा फ्रेंड। तो आपका यहीं पे पेंसिल वाला आइकन है, उस पर आप चेंज भी कर सकते हो, कुछ डिटेल चेंज करना है तो फ्रेंड, क्योंकि जो भी आपका पैन कार्ड लेना चाहते हो पैन कार्ड में जो नाम वैसा का वैसा ही लिखना है फ्रेंड। जो पैन कार्ड के नाम है ना उसके अंदर जो फुल नेम, आपको फुल नेम लिख देना है, कुछ भी लिख सकते हो फ्रेंड, जो है वो लिखना है फ्रेंड। उसके बाद में एड्रेस में भी आपको सेम टू सेम लिखना है फ्रेंड। तो इस तरह से आप लिखोगे तो आपका 100% आईडी वेरिफिकेशन हो जाएगा फ्रेंड सक्सेसफुल। ये सब मैं फिल कर लेता हूँ फ्रेंड, आप लिख सकते हो। उसके बाद में इंडिया पासपोर्ट है, फिर पैन कार्ड है, फिर वोटर आईडी है, फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड नोट एस्केप, आधार कार्ड मना कर रहा है फ्रेंड कि आधार कार्ड नहीं चलेगा। तो आपको अपलोड वाला निशान दिख रहा है नीचे में, तो आपको यहीं पर अपलोड नहीं करना है फ्रेंड, आपको ईमेल पर चले जाना है। और ईमेल पे क्लिक करने के बाद जो ईमेल आया उस पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा फ्रेंड, आप देख सकते हो यहीं पे। तो आपको वेरीफाइड न्यू पे क्लिक करना है फ्रेंड और क्रोम ब्राउज़र को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा वेट करना है फ्रेंड, क्योंकि नेट स्लो इसलिए टाइम लग रहा है। और यहीं पे आपको 3 लाइन नज़र आया, उस पर क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट करना है फ्रेंड। वहीं से आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है और थोड़ा सा रिप्लेस होगा फ्रेंड दोबारा से, आप देख सकते हो। दोबारा से आपको जूम करके दिखा देता हूँ फ्रेंड। आपको फर्स्ट नंबर पे फिर से आपको एड्रेस चेंज करना है, कर सकते हो फ्रेंड। जो पैन कार्ड में है, आधार कार्ड नो एस्केप है फ्रेंड, आप देख सकते हो कि इंडिया पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस, चार चीज़ों से कर सकते हो फ्रेंड। तो उसके बाद में आपको अपलोड वाला ऑप्शन शो करा, उस पर क्लिक करना है फ्रेंड, इस पर उस पर क्लिक कर देना है फ्रेंड। और ऐसे इंटरफेस आएगा, उस पर क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड। जो मैंने फ़ोटो बना रखा उसको मैं चूज़ कर लेता हूँ यहीं से गैलरी में जाके फ्रेंड, वो चूज़ कर लिया। यहीं पे आपको जो पैन कार्ड डाला उसका फ़ोटो साफ साफ दिखना चाहिए फ्रेंड, के फ़ोटो दिख रहा है अपलोड किया हुआ। उसके बाद में आपको यहीं पर सबमिट वाला ऑप्शन शो करेगा फ्रेंड, आप लिख सकते हो अपलोड कम्प्लीट हो चुका है, सबमिट वाले पर क्लिक कर देना है आपको।
और एस एन टी पी से आएगा फ्रेंड। आप देख सकते थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, उसमें आपको 24 घंटे के अंदर हो जाएगा फ्रेंड। तो मेरा कितने घंटे में होता है उस ईमेल आईडी पे बता दूंगा फ्रेंड, और आपको इस पर क्लिक कर देना है। पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो फ्रेंड, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और आप देख सकते हो फ्रेंड थोड़ा सा रिप्रेस हो रहा है फ्रेंड। इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ, यहीं से कट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको एस एन टी पी देखने को मिलेगा फ्रेंड। आप देख सकते हो थ्री लाइन में क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे पेमेंट वाला ऑप्शन शो करा है उस पर क्लिक कर देना है। यहीं पे आप देख सकते हो फ्रेंड आइडेंटिटी वेरीफाई प्रोसेस में इन प्रोसेस ऐसा कुछ लिखा हो फ्रेंड। आप देख सकते हो यहीं पे आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो फ्रेंड, और आप डॉलर भी देख सकते हो मेरा $0 है फ्रेंड। तो भी आइडेंटिटी वेरीफिकेशन मेरा हो चुका है फ्रेंड। आप देख सकते हो प्रोसेस में चलता है, आपको 24 घंटे भी लग सकते हैं फ्रेंड उसके अंदर। उसके बाद में आपको देख सकते हैं मेरा ईमेल आ चुका है, और मेरा आज 31 तारीख मैंने किया था फ्रेंड। आप देख सकते हो मेरे पास ईमेल 31 तारीख का आया हुआ है। तब को आप देख सकते हो गूगल एसन आइडेंटिटी वेरीफाई सक्सेस जैसा लिखा आ रहा है फ्रेंड। आप देख सकते हो मुझे 3 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल चुका है फ्रेंड, सक्सेस हो चुका है। तब मेरी तरह से करोगे तो आपको 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। यहीं पे आपको फिशियल ऐप पे आपको क्लिक कर देना है, आपको फ़ोटो कैसे बनाना है वो बताऊंगा फ्रेंड यहीं पे। और आप देख सकते हैं यहीं पे 39 नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करना है, और आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रेंड। और यहीं पे आपको साइज सेलेक्ट करनी है 1000 और 720, और फिर ओके कर देना है। मैं बना रहा हूँ उस तरह से, आप फोटो अपलोड करोगे तो आपको 100% आइडेंटिटी वेरीफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। यहीं पे आपको क्लिक करना है फ़ोटो वाले पे, तो आपको जो फ़ोटो खींचा है उसका आपको साइड सेलेक्ट करके कंप्लीट कर लेना है, फिर एग्जिस्ट कर लेना है यहीं से। जो मैं दिखा रहा हूँ उस तरह से करोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि मेरा पहले 2 बार फेल हो चुका था, मेरा तीसरी बार में कम्प्लीट हो चुका है फ्रेंड। आप देख सकते हो मैंने आगे का साइड का किया था वो भी फेल हो चुका है, मैं अभी दूसरा बना रहा हूँ फ्रेंड। इस तरह से आपको कम्प्लीट बना देना है फ्रेंड, आप देख सकते हो आगे का फिर पीछे का। तो आपको सेव वाला ऑप्शन शो करेगा, उस पर आप क्लिक करके सेव कर लेना है आपको यहीं पे नीचे वाले पे, और इस तरह से आपको सेव कर लेना है फ्रेंड। उसके बाद में आपको गूगल पे सर्च करना है, गूगल एसन ऐसा लिखोगे तो भी आ जाएगा फ्रेंड। आप देख सकते हो, और इस पर क्लिक कर देना है, यहीं पर क्लिक कर सकते हो, दूसरे वाले पर भी क्लिक कर सकते हो फ्रेंड। तो गूगल एसन पर क्लिक कर देता हूँ, और थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है फ्रेंड। आप देख सकते हो आपके सामने दिखा रहा हूँ फ्रेंड, और ऐसे नकल अभी भी 0-0 फ्रेंड पेमेंट। आप देख सकते हो मेरा कुछ भी डॉलर नहीं बना है, तो भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मेरा सक्सेसफुल हो चुका है फ्रेंड। और आपको यहीं पे थ्री लाइन में क्लिक करना है, और पेमेंट वाले पे क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड। जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा था इन प्रोसेस जो कंप्लीट हो चुका है फिर मेरे पास अभी पॉपअप शो नहीं कर रहा है फिर। आप देख सकते हो यहीं पे, क्योंकि मेरे पास अभी अभी $0 है, तो भी एसएन बटन मुझे मिल चुका था फ्रेंड। आपको भी एसएन के $10 पे मिलेगा, $1 पे मिल जाता है, $0 पे मिल जाता है फ्रेंड। आपके एड्रेस पे पिन आएगा फ्रेंड, उस पिन को आपको कैसे वेरीफाई करना है उसके रिलेटेड और वीडियो लेके आऊँगा फ्रेंड। इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी सुझाव कमेंट करो फ्रेंड। मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। गुड बाय फ्रेंड।